साथ सर को झुकाएं और आज के कलाम के लिए दुआ करें। और ख़ास दुआ हम करेंगे बीमारों के लिए, चंद दरख्वास्तें आई हैं जिनके लिए हम ख़ास तौर पे दुआ करेंगे, मुनाजात करेंगे खुदावंद के हजूर। और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आशर से कि वो आए और बीमारों के लिए खास तौर पे दुआ करें। तीन नाम खास तौर पे मैं लेना चाहता हूं। रुस्तम, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो कराची सिविल अस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए दुआ की जाए। और फिर कराची ही से रिक्वेस्ट है, हमारी अजीजा ही हैं, उनका नाम रुबीना है और वो भी वेंटिलेटर पर है। जी, नाम बताएं दोबारा। मंजू लाहौर बेटा और बेटा शेर। और अभी अभी सिस्टर जोना बता रही हैं कि मंजू, बहन मंजू और उनके बेटे के लिए भी दरख्वास्त करें। और एक और रिक्वेस्ट है, फेसबुक पर मैंने देखी है, वो एक मसीही भाई है जो तबला बजाता है और बहुत सारे गीतों में मेरा ख्याल है वो तहमीन तारक के साथ जो गीत गाते हैं या उनके बैंड में वो शायद तबला बजाते हैं, मुझे दुरुस्त तरीके से मालूम नहीं, लेकिन उस पे यही था कि वो तबला नवाज हैं और मसीही इबादत में खिदमत करते हैं। तो वो भी, उनके पेट का कोई प्रॉब्लम है और चार उनकी ऑपरेशन हुए हैं और वो लाहौर में वेंटिलेटर पर हैं, उनके लिए भी खास तौर पे दुआ की जाए। अब बाकी जो बीमार हैं, जो जिन्हें हम नाम से नहीं जानते लेकिन कम्युनिटी में जो बीमार हैं, जहां जहां भी हैं, हम उनके लिए खास तौर पे दुआ करें ताकि खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। जनाब पास्टर आशर। खुदावंद हमारा जो मनजी है और हमें निजात मखलसी बख्शता है, हम इस वक्त दुआ करेंगे। आप जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने हमारे साथ हैं, हम सब खास तौर पर दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर से जो नाम अभी बताए गए हैं, अगर हम एक दफ़ा फिर से वो नाम लें ताकि हम दुआ कर सकें। बाजी आप मंजू और उसका बेटा शेन, शेन मंजू एंड शेन लाहौर में है, बहुत बीमार है। और बहन छोटा ब्रा रुस्तम, रुस्तम सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर, बेटा की छोटी सिस्टर है लाहौर में के लिए आए। हम सरों को झुकाकर इस बात पर ईमान रखते हुए कि यीशु जो निजात शिफा और हमें बरकत बख्शता है, वो हमारी मुनाजातों को सुनता है, कबूल फरमाता है। हम खास तौर पर इन नामों को जो नाम दिए गए हैं, रुस्तम मंजू और उनके बेटे शेन को और सिस्टर बिल्ला की जो सिस्टर है जो हॉस्पिटल में है, उनके लिए और बाकी तमाम अजीज़ और भी बहुत सी जो रिक्वेस्ट हैं उन पर भी, कम्युनिटी में जो लोग बीमार हैं उनके लिए, सब के लिए दुआए खैर कहेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनको शिफा मिले, सेहत याबी और तंदुरुस्ती मिले। हमारा खुदावंद के सामने झुकना जो है वो उन सब के लिए जिनके लिए हम खुदावंद के सामने उसकी हजूरी में आए हैं, हमारा झुकना उनके लिए बायस बरकत हो। हमारा गुजारिश करना, यीशु के आगे गुजारिश करना उनके लिए बायस सेहत और तंदुरुस्ती हो। खुदा मन पा खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे बेटे यीशु के मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं
और खुदाबंद गुज़श्ता वक्त के लिए तेरी बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास कर इन नामों को, इन अजीज़ों को खुदाबंद तेरी हजूरी में लाते हैं। हम इनके अंदरूनी और बैरूनी मामलात को हकीकी तौर पर नहीं जानते, लेकिन खुदाबंद तू सब कुछ जानता है। तू बीमारियों पर कादर है, तू गालब आता है, शिफा देता है, तू शिफा का मंबा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग हर तरह के बीमारों को यीशु के पास लेकर आए और उन्हें उन्हें अच्छा कर दिया। खुदाबंद हम भी तेरे लोग इन अजीजों को तेरे पास लाते हैं और गुजारिश करते हैं कि तू इनको अच्छा कर, तंदुरुस्ती सेहत याबी बख्श, ताकि वो दोबारा से सेहत याब होकर खुदाबंद तेरी गवाही का बायस बन सकें। कम्युनिटी के अंदर जितने लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं और खुदाबंद बीमार हैं, यीशु के नाम से सबकी सलामती और बीमारी से शिफा के लिए खुदाबंद गुजारिश करते हैं। बरकत दे, शिफा दे, सलामती बख्श, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। आप से अगर पूछा जाए कि आप की गर्मियां जो हैं वो कैसी गुजरी हैं, तो मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कुछ मुमकिन है कहें कि बहुत अच्छी, और कुछ हो सकता है कहें कि बहुत गर्मी थी। मौसम के तवसत से मैं जब भी अपने वाले साहब से बात करता हूं, अभी वो इंग्लैंड में हैं, तो जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है, अभी गर्मी है या ठंड है। तो फिर मैं भी उनसे वहाँ का मौसम पूछता हूँ कि अब वहाँ कैसा हो रहा है। मौसम के एतबार से आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। जब गर्मी की शिद्दत की बात हम करते हैं, तो रिकॉर्ड किया गया जो दर्जा हरारत है, जब उसकी बात होती है तो वो देखकर या सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि बहुत गर्मी देखी गई है। सऊदी अरब में मैंने 6 साल गुजारे और वहां की गर्मी भी मैंने देखी, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जो अपना एक रिकॉर्ड रखे हुए हैं। पाकिस्तान में जैकबाबाद का इलाका जो है वो बहुत गर्म इलाका है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। दीगर इलाके भी हैं जहां बहुत गर्मी होती है। तो दुनिया भर में जब रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर जो है, दर्जा हरारत जो है, उसकी जब बात हम करते हैं, तो कई एक नाम सामने आते हैं जो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें इराक, बसरा इराक जो है वहां का नाम भी है, उसमें 128.8 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ जब 100 से थोड़ी सी गर्मी ऊपर होती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि बहुत गर्मी है। तो अंदाजा लगाएं कि जब वहां पे 128.8 दर्जा हरारत होगा तो वहां कितनी गर्मी होगी। फिर एक और नाम है, कुवैत में भी रिकॉर्ड किया गया है जो दर्जा हरारत, वो इससे भी ज्यादा है। और इराक का जो है वो 2016 का रिकॉर्ड है, और अब 216 ही में, बल्कि उससे एक दिन पहले जो बसरा का रिकॉर्ड है उससे एक दिन पहले 7 जुलाई 2016 कुवैत में जो रिकॉर्ड किया गया वो
129.2 درجہ حرارت تھا اور یہ بتدریج درجہ حرارت جو ہے بڑھ رہا ہے اور جو سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کیلیفورنیا کا ہے, فرنس کریک کیلیفورنیا ڈیتھ ویلی, جو اس میں درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک میں نے تصویر دیکھی جس پہ فرنس کریک کا گیٹ دکھایا گیا ہے اور وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے 134 اس پہ شو کر رہا ہے, لیکن جو ماہرین ہیں وہ انہوں نے یہ اسے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا پیمانہ ہے درجہ حرارت ناپنے والا وہ ممکن ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو, اس لیے وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن پھر اسی جگہ پہ ساتویں مہینہ جولائی یعنی کہ 9 تاریخ اسی سال میں, جولائی 9 2021 فرنس کریک کی بات ہے اور وہاں جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ 130 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو درجہ حرارت ہے ریکارڈ اپنا توڑتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دنیا میں جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت سارے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ کسی بھی طریقے سے جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ کم ہو سکے. لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ نہیں. خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے درجہ حرارت کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا, دوسرا پترس 3 باب اور اس کی 7 آیت. میرے ساتھ آپ نکالیں خداوند کے کلام میں سے دوسرا پترس اور اس کا 3 باب ہے 7 آیت. یہاں لکھا ہے, آئے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا, جو راستبازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی سوری میں 3 باب اور 7 آیت. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until yes. the day of judgment and perdition of ungodly men. Oh, sorry, main galat safhe par tha, main madar chahta hu. 3 bab aur uski 7 ayat jo hai, بہن نے درست حوالہ دیکھا تھا. مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں. یہاں بڑی سخت بات بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ زمین اور آسمان کے ساتھ کیا ہوگا. اب درجہ حرارت جو ہے وہ 130 تک ہم دیکھتے ہیں اور یہاں بات ہو رہی ہے جلائے جانے کی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 7 آیت 3 باب 2 پترس کی, مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں. اب جلانے کے لیے کتنا درجہ حرارت ہوگا؟
कि जमीन और आसमान जलाए जाएं। एक और हवाला हम देखते हैं, बल्कि एक और जगह पे खुदावंद के खादम ने लिखा है कि जब मसीह खुदावंद आएंगे तो उस वक्त ये जमीन और आसमान पिघल जाएंगे। ये जो जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, ये कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसका जिक्र हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं और वो हमारी तंबीह के लिए है। और जो खुदावंद के कलाम को जानते हैं वो इसको एक निशान के तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक निशान है जो खुदावंद की आमदेसानी के लिए हमें दिया गया है। क्योंकि सूरज की तपश जो है वो बतौर एक आफत भी आएगी। मुकाशफा 16वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत जो है उसमें अगर हम देखें तो वहां ये एक बात हमें मिलती है, सूरज की तपश के बारे में। और मुकाशफा 16वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत यहां लिखा है, और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम के निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की के उसकी तमजीद करते। यहां पर हम जिक्र देखते हैं जो आखिरी 7 आफतें आएंगी उनमें से एक आफत जो है वो सूरज की तपश की है। और यहां लिखा है कि सूरज पर जब खुदावंद के गजब का प्याला उल्टा गया तो उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। खुदावंद की तमजीद करने के बजाय उन्होंने खुदावंद को बुरा भला कहना कह शुरू कर दिया कि ये कैसा खुदा है कि इतनी गर्मी इंसानों पर डाल रहा है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम खुदावंद के बारे बातें करते हैं, और दुनिया के लोग जो हैं वो खुदावंद को इल्जाम देते हैं और कहते हैं कि अगर खुदा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा ही इन आखिरी दिनों में होगा जब दुनिया गर्मी की शिद्दत की वजह से झुलसेगी, इंसान गर्मी बर्दाश्त ना कर सकेंगे तो वो खुदावंद के खिलाफ कुफर बकेंगे, खुदावंद की तमजीद नहीं करेंगे बल्कि खुदावंद को बुरा भला कहेंगे। अजीजो, कलाम हमें हर एक बात से आगाह करता है कि आइंदा क्या होने वाला है। जब मैं इस हफ्ते का पैगाम की तैयारी के लिए सोच रहा था तो चंद एक बातें मेरे जहन में आ रही थी जो इसी त्वस्त हैं और जो आजकल तमाम दुनिया में हम होते हुए देख रहे हैं। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, मैं यहां पर एक इक्तबास है जो एलन जी वाइट ने बहुत साल पहले लिखा, उसके वो मैं आपसे के सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, खुदा का थाम रखने वाला रूह अब भी दुनिया से उठाया जा रहा है। भारी आंधियां, तूफान, बादोबारा, आग और सैलाब और जमीनी और समंदरी आफात
तेजी से एक के बाद दूसरी बरपा हो रही है। साइंस इसका सबब बताने की कोशिश में है। इन निशानात की कसरत से वकूह में आना हमें बताता है कि खुदा के बेटे की दूसरी आमद नजदीक है। टेस्टिमोनीज टू द चर्च वॉल्यूम 6 पेज 408। एलन जी वाइट ने हमें ये आगाह किया कि ये जो कुदरती आफात में शिद्दत अख्तियार हो रही है ये खुदावंद की तरफ से है, और साइंस अपने मुख्तलिफ तरीके बताती है कि ये वजह हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पिछले चंद दहाइयों से ये साइंसदान ये जरूर तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो मुश्किलात हैं, हरिकन्स हैं और फ्लड्स हैं, जो अर्थक्वेक हैं, भूचाल हैं, ये पहले की निस्बत अब ज्यादा हो रहे हैं, और खुदावंद की खादमा ने ये पहले हमें बता दिया कि आखिरी अयाम में ऐसा होगा और शिद्दत से होगा, बहुत ज्यादा होगा। और वो कलाम मुकद्दस में जो निशानियां बयान की गई, मसीह यसू से जब पूछा गया शागिर्दों ने कि तेरे आने की निशानियां क्या हैं, तो मसीह खुदावंद ने ये सारी बातें बताई। और अब चूंकि ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं और बहुत सारी पेशन गोइयां जो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं वो पूरी हो रही हैं, तो ये तमाम चीजें मिलकर ये हमें बताती हैं कि खुदावंद का आना जो है वो जल्द है। अब इस सूरज की तपश को लेकर एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया है जो तमाम दुनिया में काम हो रहा है, और वो एजेंडा जो है वो पोप फ्रांसिस की निगरानी में या उनकी क्यादत में किया जा रहा है, जो इस निस्बत से खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं वो जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2021 में अभी चंद दिन पहले ही वेटिकन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 40 जो दुनिया भर के मजहबी या दीनी रहनुमा है वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने पोप की रहनुमाई में ये जो सूरज की तपश है, बढ़ती हुई तपश है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे बातचीत की कि इसका अजाला क्या है या इसके इसको हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। तो ये खुदावंद के कलाम की एक पेशन गोई जो है वो पूरी होती हुई हम देखते हैं। दुनिया जो है पोप को अपना रहनुमा तस्लीम करने के लिए अब तैयार है, और उसके पीछे और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगरचे कलाम हमें यह आगाह कर देता है कि ऐसा होगा, लेकिन जो कलाम से नहीं वाकिफ वो इस बात को समझने से कासिर हैं। मुकाशफा 13 और उसकी 3 आयत जब हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत ही खास बात यहां बयान की गई है, और मैंने उसके सिरों में से एक पर गोया जख्मेकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मेकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया तजब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। सारी दुनिया तजब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और इससे पहले जो है
वो जख्म लगने की बात है और जख्म दुरुस्त होने की बात है। यहां पर कुछ तारीख में हमें जाना पड़ेगा ताकि हम इस आयत को हम समझ सकें कि ये आयत किस तरह पूरी हुई है। सत्रह सौ अठानवे में नेपोलियन ने उस वक्त के पोप को गिरफ्तार कर लिया और उसको कैद कर दिया। उस कैद में ही वो पोप हलाक हो गया और ये एक बहुत बड़ा जो जख्म लगने की बात थी वो जख्मकारी पपाइत को लगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1929 में फिर पपाइत को बहाल किया गया, वेटिकन को बहाल किया गया। और ये जो जख्मकारी लगने के बाद अच्छा जो होने की बात है हम उस वक्त को देखते हैं कि फिर वो उसको बहाल कर दिया गया। और अब अगली बात पूरी हो रही है कि दुनिया ताज्जुब करती रह गई, लोग हैरान हो गए। और कुछ देर पहले की बात है कि अमरीकी न्यूज एजेंसी जो है उसमें ये खबर थी कि जो मौजूदा पोप फ्रांसिस है वो दुनिया का सबसे खतर तरीन शख्स है। अब किस तरह ये खतर तरीन शख्स है ये तो खबर में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो आज भी मकबूल है। दुनिया के तमाम जो दीनी रहनुमा है उन की पैरवाई कर रहे हैं और जैसा कलाम में लिखा है कि उसके पीछे पीछे हो ली। एक वक्त था जब पोप को कैद कर दिया गया, कोई उसे पूछने वाला नहीं था, लेकिन फिर जब बहाली हुई उसके बाद अब हम देखते हैं कि पपाइत के पास अब इतनी कुव्वत है कि वो तमाम दुनिया के अमूर में दखल अंदाजी कर सकता है और हो भी रहा है ये ऐसा। और ये बात जो है बड़ी ताज्जुब की है कि दुनिया की सबसे जो कुव्वत वाली मुल्कत है या ताकतवर मुल्क जो है वो भी पोप के सामने सरनगु हो रहा है। और मैं बात कर रहा हूं अमरीकी सदर जो बाइडन की, जिसकी मुलाकात 29 अक्टूबर को होगी पोप फ्रांसिस के साथ। और मैंने जब ये पढ़ा तो खबर में यूं लिखा हुआ था, इंग्लिश की खबर है, बाइडन विल मीट विद द पोप ऑन अक्टूबर 29 इन वेटिकन सिटी वेयर अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस दे प्लान टू डिस्कस वर्किंग टूगेदर ऑन एफर्ट्स ग्राउंडेड इन रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी इंक्लूडिंग एंडिंग द कोविड 19 पेंडेमिक टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस एंड केयरिंग फॉर द पोर। अब यहां पर दो तीन बातें जो हैं वो ऐसी बयान की गई हैं जिसके लिए कोई भी आम शख्स हो या कोई दुनिया का रानवा हो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उनके साथ तावन ना किया जाए। जैसा कि यहां बयान किया गया है कि मौजूदा जो पेंडेमिक है उसको खत्म करने के लिए, कोविड 19 को खत्म करने के लिए बात की जाएगी। और फिर आगे जो ग्लोबल वार्मिंग जो खास तौर पर ये पोप फ्रांसिस का एजेंडा है ग्लोबल वार्मिंग का, उस पर बात होगी। और केयरिंग फॉर द पोर जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए बातचीत की जाएगी। यहां फिर एक बार हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम की पेशन गोई जो है वो पूरी हो रही है। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो एक बार फिर मेरे साथ देखें मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत है।
फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा और उस के बरा के से दो सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तश कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। अब ये आप अगर पेशनगोई को थोड़ा सा समझते हैं तो आप ये आखिरी हिस्सा जो है जब पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बात किस तरफ जा रही है। और वो ये है कि ये जो 11वीं आयत में जो बयान किया गया है ये पेशनगोई के मुताबिक ममलकते अमरीका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से पहले जो पेशनगोइयां मुकाशफा में और दानियल में हम देखते हैं और वो पेशनगोइयां वहां पे बताया गया है कि समंदर में से हैवान निकले, लेकिन यहां पे जमीन से, यहां जो बात समझने की है वो समंदर से मुराद है लोग, बहुत सारी आबादी, और जमीन यहां जो बयान किया गया वो ऐसी जगह जहां पे के लोग जो है बहुत कम है। और अमेरिका जब वजूद में आया तो यहां इतनी आबादी नहीं थी, इसलिए तमाम जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि ये पेशनगोई जो है, इस हैवान की जो पेशनगोई है वो अमेरिका को जाहिर करती है। अब समझने की बात ये है कि यहां पर जो इख्तियार ये दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे वो दुनिया को जेर करने का इख्तियार होगा, और फिर किसी वक्त हम देखेंगे कि वो किस तरह मिलकर ये जो पेशन गोई है उसकी पूरी जो तकमील कैसे होगी। अब जो गर्मी का जो एजेंडा है या दर्जा हरारत बढ़ने का जो एजेंडा है ये सिर्फ उन 40 रहनुमाओं तक महदूद नहीं जो वेटिकन में इकट्ठे हुए, बल्कि नवंबर के शुरू में इंग्लिस्तान में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मौसम से मुतालिक हो रही है जो पिछले 25-26 साल से हो रही है और इस दफा 26वीं है और इसे COP26 के नाम से पुकारा जाता है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो हो रही है। तो वहां पर ये एजेंडा जो है वो सरे फहरिस्त होगा और जो ऊपर हमने सीखा कि तमाम दुनिया उसके पीछे होली, ये यहां भी पेशन गोई पूरी होती हुई हमें नजर आएगी। अजीजों, खुदावंद के कलाम की पेशनगोइयां एक के बाद दूसरी पूरी हो रही हैं। मसीह खुदावंद का आना बहुत जल्द है। अपने चौगिर्द आप देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात जिस तरह खुदावंद के कलाम में बयान किए गए कि वो नूह के जमाने के जैसा जमाना होगा, लूत के जमाने के जैसा जमाना होगा, तो ये तमाम बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। दुनिया में बदी इतनी बढ़ती जा रही है कि हद से ज्यादा आप ऐसी बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो दुनिया में हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक तैयार हैं, क्या आप मसीह यीशु की आमदसानी के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज मौका है कि हम खुदावंद से मिलने की तैयारी करें। आगे फिर हम देखेंगे कि मजीद जो पेशन गोइयां हैं मुकाशफा की वो किस तरह पूरी हो रही हैं और किस तरह खुदावंद का आना बिल्कुल नजदीक है। खुदावंद आप सबको बड़ी कसरत से बरकत दे और हम सब मिलकर
खुदावंद के रोजे अजीम के लिए तैयार हो सके। खुदावंद आपके साथ हो, आए दुआ करें। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आशीष से, वो एक बार फिर आए और हमें कलमाते बरकात से रुखसत करें। जमीन आसमान के खालिक और मालिक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। खुदावंद इस वक्त के लिए तेरा हम शुक्र करते हैं, इस पैगाम के लिए। खुदावंद तो हमें समझ अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को समझ सकें, तेरे कलाम में लिखी हुई बातों को हम जान सकें और खुदावंद तेरे बेटे की आमदेसानी के लिए हम तैयार हो सकें। जितने खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं खुदावंद उनके दिलों को तो खुदावंद नरम कर, वो जान सकें कि खुदावंद तेरे बेटे का आना कितना नज़दीक है और किस तरह तेरे कलाम की सब बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। खुदावंद हमें तैयारी की तौफीक अता फरमा। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सखाई हुई दुआ, आए हमारे पाक, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कर्तव्यों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्तव्यों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा के लिए हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत, उसकी शफकत हम सब के साथ, जमात के साथ और खुसूसन तमाम अजीजों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे लेकर अब तक हो। खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में, आमीन।